नमस्कार दोस्तों। तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो छोटी छोटी क्लासों में भी हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10th है ना, फर्स्ट सेकंड, ये भी क्लास हो सकती है, या 11, 12th हो सकती है, या कंपटीशन का क्षेत्र हो सकता है। तो आप सभी से उनसे बोलिए रटने की बजाय चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दें, ठीक है? क्योंकि समझना स्टार्ट करेंगे तो जो फिजूल जो वैसे टीचरों ने पैदा कर दिए ना, जिनका पेपर नहीं निकलता खुद का, और वो पढ़ाने आ जाते हैं कि जीएस पढ़ा रहे हैं भाई साहब, मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, या फिर 11th पढ़ा रहे हैं, 10th पढ़ा रहे हैं, 9th पढ़ा रहे हैं, ऐसे टीचरों को अवॉइड करो सबसे पहले, है ना? अब मैं, हो सकता है इस वीडियो पर बहुत से डिसलाइक मिले और लाइक भी बहुत से मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके बच्चे, आपके भाई जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो खुद स्वयं में क्वालिफाई है या नहीं है, ठीक है भाई? ये बात अलग होती है कि उसने कई पेपर निकाले हैं, जॉब नहीं करना चाहता, नहीं की, ठीक है? कम से कम पेपर तो निकाले हों, इस उसमें तो रहता होगा। केवल आपको ध्यान देना है, सही मार्गदर्शन ही आपके बच्चों को सही रास्ते पर ले जा सकता है। तो इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में सक्सेस आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, आपको खुद को मिलेगी ही मिलेगी। तो क्वालिफाइड टीचर से पढ़ें, ठीक है? मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है? 29 एग्जाम क्वालिफाई, अगर और कोई टीचर है तो मुझे बता सकता है, उससे कंपेयर भी कर सकते हैं अपन, है ना? तो भाई प्लीज़ इस फितूल को बंद कर दें। आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर नहीं निकला, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर नहीं निकला, तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसे टीचरों से पढ़ते हैं जो खुद पेपर नहीं निकाल सकते, वो आपका पेपर क्या निकालेंगे? सोचने की बात है मेरे भाई, है ना? अब मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इस नस्ल को सुधारने की, इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की एक जिद लेके, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है? आप जुड़ सकते हैं हमसे, हमारा एक शानदार ग्रुप होगा, शानदार टीचरों का ग्रुप होगा जो ये सब पढ़ाएगा, ये मेरी देख रेख में होगा, ठीक है? एक से बेहतरीन एक, जो कमियां आपके बच्चों में रह जाती हैं 6th क्लास 7th क्लास, तो ऐसे क्यों वो रटने पे तुले होते हैं, रटने पे तुले होते हैं भाई साहब? उस एज में समझना, आप खुद अंदाजा लगाइए, मुझे बताइए, क्या आप 9th क्लास में नहीं रटे थे, फिर 10th में कुछ याद था? नहीं। आप क्या 10th क्लास में नहीं रटे थे, फिर आपको 11th क्लास में कुछ था 10th क्लास में रटने के बाद? तो आप कहेंगे कुछ नहीं था सर। आप 12th तक नहीं रटे हो क्या? रटे हो ना भाई, वही चीज़ की गलती क्यों करते हो? तो सबसे पहले ये लूसेंट की किताब, मैं तो ये एग्जाम्पल मानता हूँ, छोटा सा है ना, एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ, ये लूसेंट की किताब आपको 5 दिन में कंप्लीट करनी है। आपकी क्षमताएं आपको बढ़ानी होंगी अगर एग्जाम निकालना है तो, नहीं तो ये पढ़ाई मढ़ाई का झंझट छोड़ दो, कोई भी धंधा करो, कोई भी बिजनेस करो। अगर आप इसे 5 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते या 10 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, तो भाई आपका पढ़ने का मतलब क्या है? आप केवल रट रहे हो, है ना? सही ढंग से पढ़ो। आप सोचिए मेरी बात, ध्यान से सोचिए कि आप एक बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक बार मूवी देखते हैं और उसको सही ढंग से एज इट इज सुना देते हैं, या फिर जब मूवी चल रही होती है दोबारा तो आप बता देंगे ये सीन होगा इसमें, तो ये कैसे संभव है? उसमें कुछ रटा तो नहीं ना, उसमें कुछ देखा था? तो आपके माइंड को पूरी तरह से फोकस करके केवल समझने पर ध्यान दो, आपका सक्सेस आपके कदम चूमेगा। इस बात को अगर आपने ध्यान ले लिया तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी, मेरी ना किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी, है ना? और ध्यान नहीं दिया तो जिंदगी भर भटकते रहो। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के बाद भी आपके बच्चे कोचिंग जाते हैं, ये क्या है? सरकारी स्कूलों में भेजो और फिर उनको कोचिंग लगाओ अच्छे से, या फिर बड़े स्कूलों में भेजो तो वहाँ पर आप जाओ, भाई साहब सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है? इस बात पर फोकस करो। चलिए तो मिलते हैं क्लासों में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, ठीक है? जो किसान का सम्मान नहीं करता वो मैं नहीं जानता, वो इंसान है, ठीक है? वो जानवर से भी बदतर है जो किसान का सम्मान नहीं करता, एक आर्मी मैन का सम्मान नहीं करता, क्योंकि ये देश के रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं, देश इनके बिना नहीं चल रहा भाई, किसान के, ठीक है, शिक्षक के, या फिर हमारे सैनिकों के, वो चाहे स्टेट के सैनिक हो सकते हैं या फिर बॉर्डर पर लड़ने वाले शहीद हो सकते हैं। उन सभी को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।